अस्सलाम वालेकुम जी, मैं जा रहा हूँ जी मिस्टर जे को पिक करने। हमारा आज जो है वो बाहर जाने का प्लान है, शायद थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करें। तो हम जाएंगे अमेरिका के वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल्स में, जो न्यू जर्सी में है। नाम हम आपको जो है वो उधर पहुँच के दिखाते हैं कौन से मॉल जा रहे हैं। ये चेक करें जी, जे साहब ने अपने घर बुलाया और ख़ुद जो है वो अब आ रहे हैं घर से, 10 मिनट हमें वेट करा के। इधर देख भी नहीं रहे हैं जे भाई। मिस्टर जे, घर बुला के किधर? घर बुला के आप तो गायब ही हैं। घर पर ही हूँ, आप लेट हो गए। हम तो इधर कब से खड़े हैं, सब लाइव चल रहा है। लाइव चल रहा है, लाइव स्ट्रीम हो रहा है जी। ले जी, जे आ गए जी, लोग देख रहे हैं आपको। तब से हम लोगों ने देखा है आपकी पंक्चुअलिटी को। घर बुला के जो है वो ये माही 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 कितने रह गया। उस्मान साहब जो है यहाँ से टिकट लेंगे। ले जी, अब हम करने लगे पार्किंग। ये यहाँ का सिस्टम देखे, पार्किंग ये बटन दबाया और यहाँ से आएगी टिकट। कौन सी पार्किंग टिकट आएगी? ये देखें, पार्किंग टिकट आ गई और इस पे जो है वो मैं इसको ब्लर कर दूंगा, गाड़ी का प्लेट का नंबर भी लिखा हुआ। ब्लर कर देना, भी इस तरह से नहीं डाल सकते। हाँ जी, ब्लर कर ब्लर देना। कर दें आप। अब ये जो टिकट है इसको हम संभाल के रख लेंगे, पार्क हम कर देंगे गाड़ी और फिर जब हम यहाँ मॉल से फ्री होंगे तो हम आपको दिखाएंगे हम इसकी पेमेंट कैसे करेंगे। अच्छा, पेमेंट करनी पड़ेगी? फ्री का हिसाब कुछ नहीं? नहीं, अभी हम इतने बड़े यूट्यूबर नहीं हुए। अच्छा, बड़े यूट्यूबर हो जाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो है दो लेने मर्ज हो रही हैं, मगर 1-2 का हिसाब, पहले 1 जाएगा, 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा। वो आप जरा जूम करें, जूम करें जी का फ्यूल कैप जो है, कैप ही वो गुस्से में, वो गैस के प्राइस बढ़ गए ना, उन्होंने कहा ये देखें, मैंने जूम इन कर दिया, ये देख सकते हैं आप कैप उसकी उड़ी हुई है। ले जी, बड़ी मुश्किल से गाड़ी की पार्किंग हमें मिल गई है और अब हम मॉल के अंदर जा रहे हैं। थोड़ी सी वॉक है, दूर मिली है थोड़ी हमें। कौन से लेवल पे मिली है जी? लेवल 2 मिली है जी। डेक जो है ये है लेवल 2 है। तो थोड़ी सी वॉक है मेन एंट्रेंस पे, तो अब हम वॉक करते जा रहे हैं, तो आपको अब अंदर जाके हम मॉल दिखाते हैं। ले जी, मॉल हम आ गए, बहुत शोर हो रहा है। पीछे जो है वो किसी किस्म का कुछ चीयर लीडिंग कॉम्पिटिशन चल रहा है या क्या चल रहा है पता नहीं, बट बहुत शोर लीडिंग कॉम्पिटिशन चल रहा है। तो अभी मॉल आ गया जी, भूख लग रही है, टका भूख बहुत शदीद लग रही है और हम टका के जाने वाले हैं। यहाँ पे एक हलाल जर्मन डोनर कबाब है। हाँ ठीक है, हम आ जा रहे हैं ऊपर वाले लेवल पे है वो, हम जो है वो मेन लेवल से एंटर हुए हैं और ऊपर लेवल पे जाते हैं और आपको साथ साथ जो दिखाते हैं। चले आ जाए, ऊपर वाले लेवल पे आ गए, और यहाँ पे चल रहे लेवल 2 है और कबाब का जी कोई साइड पे तो नहीं लगा है। नहीं, वो सामने है। अच्छा जी, भूख इतनी कोई शदीद की लगी हुई है कि सामने जो फूड हॉल लिखा हुआ है इसको हम फूड हलाल पढ़ रहे हैं। और ये आगे जर्मन डोनर कबाब है जी, ये चेक करा दे। हाँ, ये एंटर चेक करें, अच्छा बना हुआ है, कलर्स की बड़ी अच्छी लग रही है और बैठने की जगह भी मेरा ख्याल है। इधर लाइन जो है लोगों के ऑर्डर करने की लगी हुई है, तो हम भी लाइन में लग जाते हैं और जब बारी आएगी फिर हम ऑर्डर करते हैं, फिर हम आपको फूड भी जो है वो दिखाते हैं। लाइन एकदम बाहर तक आई हुई है। हाँ, मेन्यू बहुत ज्यादा कोई बड़ा नहीं है, जैसे जो है वो अरबिक मेन्यू यहाँ पे यूजुअली होता है, चाय का मेन्यू है, डोनर कबाब, 1-2 बर्गर होंगे, तो ये बेसिकली यही मेन्यू है। और मेरे ख्याल इनकी ऑप्शन होगी राइस के साथ ले लो या फ्राइज के साथ ले लो, उस टाइप के प्लेटर की ऑप्शन होगी। मेरे ख्याल में राइस वाला ऑप्शन नहीं है, फ्राइज के ऊपर डाल के चिकन वगैरह देते हैं। अच्छा, फ्राइज के साथ और रैप है, रैप है सैंडविच या बर्गर, वो पनीनी टाइप। एक और मिस्ट्री भी है कि इनका जो बर्गर है उसमें वो डोरिटोस डाल के देते हैं, हमने चेक करना है वो हलाल है कि नहीं, उस पे पूछेंगे, डिबेट चल रही है। अगर हलाल होगा तो फिर वो एक बर्गर भी ऑर्डर करते हैं। फिर जे को जो है वो मिर्चें बहुत लगती हैं, मिर्चों को बहुत मानते हैं जे। हर बार मैं इनको कहता हूँ कि तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ। फ्राइज क्या करूँ? अच्छा, क्रिस्पी फ्राइज है, रेगुलर जैसे होते वैसे। हाँ, मगर टेस्ट अच्छा है, इन्होंने ऊपर वो अपना जो भी मसाला कह लें वो डाला हुआ फ्लेवर के लिए और वो अच्छा। ये चेक करें जी इनका, इनका
जर्मन डोनर कबाब है दी ओरिजिनल। मैंने लिया मिक्स जिसमें चिकन और बीफ दोनों है। जे ने जो है वो चिकन वाला लिया। गुड, मीट अच्छा, मीट अच्छा, चिली स्लाइस है जैसा होना चाहिए और कुक भी ठीक हुआ हुआ है। ओवरडन नहीं है, कई वो होते हैं लोगों ने बनाए होते हैं बहुत ओवरडन होते हैं, बहुत सख्त होते हैं, क्रिस्पी बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसका मजा नहीं आता खाने का। ले जी, खाना हमने खा लिया है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आसरा हो गया काम का। हाँ जी बिल्कुल, हाँ एनर्जी आ गई है, थोड़ा एनर्जी आ गई है, बिल्कुल चलने की भी एनर्जी आ गई है। ये चेक करें जी, तो मिनी गोल्फ सारा सेटअप बनाया हुआ है, मिनी गोल्फ बना हुआ है, देख रहे हैं बच्चे और फैमिली जो है वो नीचे लगे हुए खेल रहे हैं। चलें आपको उधर से फ्रंट से दिखाते हैं, चूचू गाड़ी भी दिखा दें। ले जी ये चूचू गाड़ी चेक करें, बच्चों के लिए एक ट्रेन है जो पूरे मॉल का चक्कर लगाएगी शायद। यंगू बर्ड मिनी गोल्फ, अच्छा कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा अगर एंग्री बर्ड्स आपने खेली है या एंग्री बर्ड्स की मूवी देखी है आपने, तो आपको कौन सा जो है वो बर्ड पसंद था। मुझे ये येलो वाला जो सबसे ऊपर है जो स्पीडस्टर था इनका, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था ये कैरेक्टर। आपने खेली एंग्री बर्ड? मैंने गेम भी खेला है, मूवी भी देखी, मगर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। अभी जो इसकी फेमस बर्ड है वो ये रेड वाली जो है। मतलब आप एंग्री बर्ड के फैन नहीं थे? नहीं बिल्कुल नहीं। तो जी माहौल इन्होंने अच्छा दिया हुआ, बड़ा मज़ेदार सेटअप है, मज़ेदार शॉप्स बनाई हुई है। जब भी फैमिली आती है मेरी वो बड़ा इन्जॉय करती है यहाँ पे। नहीं अगर न्यूयॉर्क एरिया में आपका आना बन रहा है तो ये मॉल स्किप नहीं कर सकते मॉल। हाँ और वैसे भी स्किप नहीं किया जा सकता क्योंकि अमेरिका का जो है वो सेकेंड या थर्ड लार्जेस्ट मॉल है, तो डेफिनेटली आप एक बार तो कम से कम ज़रूर आए यहाँ पे। ये चेक करें जी, ये हम आ गए निचले लेवल पे, यहाँ पे बच्चा पार्टी को फोटोग्राफी भी कर रही है, तो आपको पास जाके दिखाते हैं, बड़ी जबरदस्त जगह। लो जी बहन चेक करो मॉल, टाइम टू सी रेस्ट रूम पे फोकस करो, रेस्ट रूम व्हाट द अभी तो आप हो गया है, आप फोकस करें, आप फोकस करना जरूरी चीज है भाई, आवाम ने ये देखना है, ये आवाम मजे के बाद जो मजा निकालने भी जाएगी ना, तो इसीलिए सिर्फ खाना ही मजा नहीं होता चाहिए। फैन चेक करें, फैन पंखे का साइज चेक करो जरा, तो जब डेफिनेटली मॉल के अंदर इस तरह का सेटअप दिया हुआ है तो इससे बेहतर और क्या हो। तो वही अगर वेदर आपका स्नो हो रही है, बारिश हो रही है, जैसे सिक्स फ्लैग्स है, बड़े फेमस अम्यूजमेंट पार्क है सिक्स फ्लैग, वो बंद हो जाता है सर्दियों में, तो ये चीजें हर सीजन में खुली, स्नो हो रही है, बारिश हो रही है, कुछ भी हो रहा है, इधर आए आप इंजॉय करें फैमिली के साथ। ऑब्वियसली इंडोर सेटिंग है तो उतना बड़ा नहीं होगा जैसे कि रेगुलरली होता है, हाँ फिर भी अच्छी खासी अच्छी, अच्छी जगह है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, फैमिलीज के लिए एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप देखें तो तीन चार राइड्स तो मुझे दिख रही है यहाँ से, ज्यादा है, ज्यादा है, और अगर हमें उन्होंने अंदर जाने दिया तो अंदर जाकर भी आपको दिखाएंगे। और बाकी है कि जी मेरे ख्याल जो सबसे बड़ा मॉल है ना उसके अंदर जो अम्यूजमेंट पार्क है वो इससे बड़ा है, पता नहीं यूजी जो मुझे आईडिया शायद यही सबसे बड़ा हो सकता है, इसे नहीं, बड़ा हो सबसे बड़ा नहीं, सेकंड या थर्ड नंबर पे है अमेरिका के अंदर। अब मैं भूल गया वो कहाँ पे है, वो जो सबसे बड़ा मॉल है
जो यूएस में है उनको पता होगा, जो यूएस से बाहर भी है खैर लोग एक्सप्लोर करते रहते हैं ऑनलाइन, तो वो भी जरूर बताइएगा। तो चलिए जी हम आपको आगे दिखाते हैं आगे और क्या कुछ है यहाँ पे। अच्छा जी, बात मेरे जहन में आई है, क्या आप भी फैमिलीज के साथ जो है वो आते होंगे अम्यूजमेंट पार्क्स पे या पिकनिक्स वगैरह पे? बिल्कुल आता हूँ, ऑब्वियसली जाते होंगे। तो आपने देखा होगा वो फैमिली मेंबर कोई एक ऐसा होता है, एक या दो ऐसे होते हैं जो नाराज हो जाते हैं, रुस जाते हैं, बूथा प्रोग्राम जिनका होता है, बूथे बन जाते हैं। अच्छा, ऐसा होता है ना, सारे माहौल की मदर सिस्टर वो कर देते हैं सारे प्रोग्राम की मूड की, है ना। तो यहाँ पे अब देखो गोरे ने एक एक चीज सोची है कि अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर हो जेड़ा रुस गया है, बूथा प्रोग्राम हो गया उसका, उसको इधर पीछे बिठा दे कोने में, क्या कह दी, ये बूथा प्रोग्राम के लिए उन्होंने अलग से सेटिंग की हुई है, जेड़ा रुसदा जाए तो आके बैंदा जाए, बाकी फैमिली का जो है वो रंग में भंग नहीं डलेगा। जो रुस गया फिर उसको मेरे ख्याल है वो गाड़ी में आया अड्डी लंबी $500 थी ऊपर दिल्ली को। वाटर पार्क भी है यहाँ पे, इंडोर वाटर पार्क जी, ये चेक करें ऐसे अगे बंदा क्या क्या फैसिलिटी है आपको एक मॉल के अंदर है जी, वाटर पार्क की एंट्रेंस है, शॉपिंग से बोर हो गए तो वाटर पार्क है, हाँ। नहीं वो बोर हो गए तो अम्यूजमेंट पार्क है, वो ये देखिए जी अगले ने कैंडी से पूरी की पूरी स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना दिया। हाँ जी स्टैचू जाके कैंडियां खा लें, मुझे लगता है कि इससे भी बोर हो गए तो फिर आप कुछ ना ही करें तो अच्छा है। नहीं अगर सबके बावजूद भी आप बोर हो गए तो यहाँ पे वो आपका कुछ नहीं हो सकता, नहीं, नहीं कुछ हो सकता है, फिर भी हो सकता है पाए ना, इससे भी आप बोर हो गए ना, अगर आप इस सब के बावजूद भी बोर हो गए तो आपने चले जाना इधर टेस्ला पे, उधर जाके टेस्ट ड्राइव करें। टेस्ला थी कि लूसिड थी वो जो हमने की, लूसिड वो उधर थी वो नमकीन के पास, उससे भी आप बोर हो गए तो यहाँ पे एमसी थिएटर भी है। तो भाई साहब आप मूवी देख ले, अगर उससे भी बोर हो गए ना आप, अगर कुछ नहीं हो सकता आपको फिर साइकाइट्रिस्ट को दिखाने की जरूरत है, आप डिप्रेस करते हैं। ये देखे भाई साहब उन्होंने ये कैंडी के साथ पूरा रियल कैंडी का बना हुआ है, तो अगर आप इसको लिफ्ट करने बैठ जाएंगे तो फिर ये पिलर हिल भी सकता है। अच्छा हाँ रियल कैंडी है, आप चेक करेंगे। अच्छा जी कमेंट्स में बताएं, ये सारा सेटअप आपको नजर आ रहा है, ये कोई चार पिलर्स है, चार पिलर्स हैं और ऊपर उन्होंने एक वो पोर्सा भी बनाया हुआ है, तो इसमें कितनी कैंडीज लगी होंगी? मैंने आपको करीब से दिखाया है कैंडीज का साइज, तो कमेंट में आपने बताने कितनी जो है वो कैंडीज होंगे, आपका क्या एस्टिमेट है कितनी कैंडीज हैं? एक दो मिलियन तो होंगे ये। हाँ इनको मैंने कहा है मैं सुननी गल किसी की नहीं माननी है वो देखें जी 1.5 मिलियन हो गया। देखिए जी 1.5 मिलियन जेली बीन से जो है ये बना, ये देखिए जी इतना अच्छा निजाम है, ये इधर ऐसे कैंडीज इन्होंने इस तरह खुली रखी हुई है, ऐसे मुख्तलिफ टेबल्स बनाई हुई है, सब बच्चे और पेरेंट्स है जिन्होंने भी कैंडीज बाय करनी है यहाँ से एक बैग निकालें जो आप दिखाइए, ये देखा है बिल्कुल मैं बैग की तरफ आप इशारा करने में देख तरीका बता देता हूँ आपने। हाँ, ये ऐसे लेकिन यहाँ से बैग निकालें, दो तीन नहीं लेने आपको, जरूरत सिर्फ एक की, बैग निकालें और अपनी मर्जी की कैंडी जो है उसको वापस ऐसे रख दें, उसके बाद जो है इसको ऐसे खोलें और भरने के बाद फिर आपने एक काउंटर तलाश करना है, कहाँ पे है काउंटर, हमने जाके पे करना है, प्रोसेस पूरी नहीं हो पाए, सॉरी सॉरी। इसके बाद जो है ये टांग लेना है, टांग लेनी है, हाथ नहीं बिच पाना है, टांग को ऐसे खोलना है बिल्कुल, और जो ये कैंडीज हैं ऐसे ऐसे डालनी है, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल, और इसको जाके चेकआउट वहाँ कराना है, चेकआउट कराना है, भर के सीधे यहाँ से एग्जिट नहीं कर लेना, एग्जिट नहीं लेना और बीच में हाथ नहीं डालना, और इन्होंने हर चीज बड़ी साफ सुथरी और तरीके से लीके से रखी हुई है, तो देसी और कमीज करनी है यहाँ की स्पेशली हमारे देसी बहन भाइयों के लिए, यहाँ आके आपने बड़े तमीज तरीके से रहना, बाकी आप माहौल देखें, बाकी सब लोग बड़े तमीज तरीके से एक एक चीज ले रहे हैं, बैग इसमें डाल रहे हैं और उधर जाके पे कर रहे हैं, और हम स्टोर जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे कोई नोटवर्दी स्टोर आएंगे वो हम आपको दिखाते जाएंगे। ये पीछे चेक करें जो टॉयज आ रहा है सर,
मोस्टली जो है वो इसकी ब्रांचेस बंद हो चुकी है, कई कई जगह आपको मिल जाएगी। वही मुझे स्ट्राइक कर रहा था कि अभी तक खुला कैसे। हाँ, असल में मेन एरिया पेंसिल्वेनिया में हमें वहाँ ऑलमोस्ट सारे बंद हो गए, इसके वो बंद हो चुके हैं, क्योंकि सर्दियों का सीजन है तो लोग ये इस तरह की एक्टिविटीज एंजॉय करते हैं, तो ये आपको नहीं, ये था पहले भी था, करेक्शन कर दिया जय ने, ये पहले भी था, तो ये आप कभी भी आए, क्योंकि सारा इंडोर है तो इन्होंने सारा ये जो जहाँ पे ये जो एरिया जहाँ पे ये लोग स्केट कर रहे हैं ना काइंड ऑफ रखते हैं, तो अगर क्योंकि हम लोग यहाँ फील कर रहे हैं जैसे इस तरफ आए हैं तो यहाँ ठंड थोड़ी बढ़ गई है। हाँ, तो ये जी जब मर्जी आए, जिस मर्जी सीजन में आए यहाँ पे आप आइस स्केटिंग कर सकते हैं। चले जी आगे हम चलते हैं, देखते हैं आगे और क्या क्या चीज़ें हैं। चलते चलते हम अब मॉल के लग्जरी सेक्शन में आ गए हैं। लग्जरी सेक्शन जो है वो नॉर्मल लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए, कहने का मतलब है पहले हम सुजुकी में आ रहे थे, अब जो है बीमर और मर्सिडीज में बैठ गए। नहीं, ये रोल्स रॉयस बेंटली लेवल, रोल्स रॉयस बेंटली लेवल आ गया ये। तो बेसिकली लग्जरी जो है वो कहते हैं लग्जरी आइटम्स, ये नॉर्मल लोगों के लिए, हम देसियों के लिए ये वाली वो जगह जिसको कहते हैं औकात से बाहर, औकात से बाहर वाली जगह। अम्बानी अम्बानी ये चेक करें जी, यहाँ का माहौल ही बदल गया। यहाँ पे असल में सारे वो लग्जरी ब्रांड शुरू हो जाते हैं, जैसे अर्मेज है, एलवी है, गुची है। अच्छा, ये बहुत से स्पेसेस जो हैं वो अभी खुले नहीं है क्योंकि अभी स्टिल डेवलपमेंट में है, तो कुछ स्टोर्स जो हैं उन पे जो है टैग्स लगे हुए हैं कि भाई अभी खुलने वाले, तो आज तक खुल रहे हैं स्टोर यहाँ पे क्योंकि रिलेटिवली नया मॉल है, ये कोविड से कुछ टाइम पहले ही खुला था। तो ये चेक करेंगे यहाँ पे ब्रांड्स है, फरारी दिखा दें, फरारी फरारी भी आपको दिखा दें, ये चेक करें, फवारा चेक करें जी। ओहो, ये जी फवारा चेक करें। अच्छा, ये भी नया, ये पहले नहीं था, ये बाहर से जो बनाया है मेडल। ओके ओके, ये जी अमवाज की भी आउटलेट है यहाँ पे, अमवाज क्लोन्स, जो जिन लोगों को परफ्यूम्स का क्लोन्स का बहुत शौक है वो डेफिनेटली जानते होंगे अमवाज ब्रांड को, बहुत ज़बरदस्त फ्रेग्रेंसेज होते हैं, वन ऑफ माई फेवरेट्स। यहाँ पे जी फरारी का स्टोर भी आप चेक कर लें। अच्छा, ये जो फरारी गाड़ी है उसका स्टोर है कि मतलब उसकी मर्चेंडाइज है, क्या चक्कर है? मर्चेंडाइज है, आप जो एक्सप्लेन करें। अब आप जी, फरारी की मर्चेंडाइज है, फरारी ने जो अपनी मर्च बनाने का जो वो दिया हुआ था कॉन्ट्रैक्ट, को किसको दिया हुआ बोला, किसको दिया हुआ? पूमा। अच्छा, पूमा बनाती है मर्च फरारी की। ओ हाँ, लो जी आगे अब एक और वो आ गया जी, स्टोर बैलेंसियागा, जो बहुत ही सेलिब्रिटीज में फेमस है, मेरे ख्याल से बहुत ही ओवर प्राइस है, ओवर प्राइस नहीं स्टॉक्ड है, मतलब स्टॉक्ड भी है, शॉर्ट आइटम्स भी है, आइटम्स इतने दूर रखे गए हैं कि मतलब बंदा जो है जान के भी चीजें जो स्किप नहीं कर सकता, एक तो स्किप नहीं कर सकता और दूसरा वो देखने के बाद ऐसा लगता है कि इस पर्स की दूसरे पर्स से बनती नहीं है। मैं बिल्कुल सही बात है, गुची भी आने वाला है, दिखा दे अगर कमिंग सून। हाँ, गुची का जो है आउटलेट वो भी यहाँ खुलने वाला है बहुत जल्द, तो वो भी हम दोबारा चेक करेंगे ऑब्वियसली जब गुची हमें बुलाएगा। क्यों जी? वो तो नहीं बुलाएगा, हमें ही आना पड़ेगा। हम और आगे आ गए और जैसे आगे हम आते जा रहे हैं हमें एहसास कंपनी जो है वो और ज्यादा होता जा रहा है। मैं ये स्टोर चेक करें, ये चेक करें जी, अलेक्जेंडर वांग, और क्या स्टोर के अंदर इन्होंने सेटिंग की हुई है, ये बेड चेक करें, ऑस्कर का रेड कार्पेट लग रहा है, फिल्म फेयर का लग रहा है, फिल्म फेयर रेड कार्पेट। हाँ, आपको फिल्म फेयर याद आ गया यहाँ से, अवार्ड लिए हैं। ले जी, ये भी एक ब्रांड आ गया, ये लोगों का ये भी बड़ा फेमस है जी, YSL। हाँ, आ गया। आपके पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे पीछे देखो, द सेंट लॉरेंस, और उसके बाद मुझे नहीं पता लॉरेंस लॉरेंस कैसे कैसे सेंट लॉरेंस और नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलते ना,
इससे अब आप वो नहीं लग रहे कि आपको ब्रांड्स के बारे में पता वो नहीं लग रहा पता आप ये आप ये वो लग रहे हैं जिन्हें ब्रांड्स के बारे में पता है पता नहीं जिनको ब्रांड्स के बारे में पता होता है ना कुछ सादा सा भी ब्रांड हो उसको ऐसे नहीं बोलते तो कैसे बोलेंगे अब ये है जी सेंट लॉरेंट राइट इसको बोले शेख लॉरेंट ऐसे आप बोलेंगे तो ज्यादा ऑथेंटिक लगेंगे ले जी अर्मेज का आउटलेट भी आ गया यहाँ पे और बड़ी कलरफुल वाइब्रेंट मच्छियां भी चाहिए मच्छियां पिछियां मच्छियां ओहो ओरिजिनल गुच्ची की हैं ये ले जी यहाँ पे इन्होंने कोई पॉइंट भी बनाया हुआ है ये आप देख सकते हैं पार्टी क्या अभी तो दसो गुच्ची दी मच्छियां है गुच्ची दी मच्छियां जो पहन कह रहे हैं गुच्ची दी मच्छियां ने ये काली वाली वायर से काली पराठा की है पराठा है काली पराठा है वो ये पीली वाली गुच्ची वो डाटा है वो डाटा भी है और गुच्ची भी है अच्छा ये बताए जारा का है जारा वो पीछे कोने में चुपी शर्मिंदा शर्मिंदा फिर रही है यार ये तो गलत गल ही गलत हो गई अच्छा जी हम ऊपर भी जाते हैं ऊपर डॉल्ची के बैना रोलेक्स इनके आउटलेट्स हैं हम ऊपर वाले फ्लोर पे भी जाते हैं बताए पीछे क्या पीछे जी वन ऑफ माई फेवरेट स्टोर्स सैक्स फिफ्थ एवेन्यू यहाँ पे बहुत ही अच्छी सिलेक्शन होती है स्पेशली हाँ स्पेशली क्लोन्स इनको हाई एंड क्लोन्स लग्जरी क्लोन्स का जो है वो शौक है बेसिकली क्या है कि आप ब्रांड्स आपने लेने होते हैं आप अलग अलग स्टोर्स के आउटलेट में जाते हैं प्रॉपर स्टोर में जाते हैं यहाँ एक ही स्टॉप पे आपको सारी ब्रांड्स सब कुछ मिल जाता है आप ये पीछे देख सकते हैं इनके इनके अंदर ही आउटलेट इनके अपने बने हुए गुची के एलवी के अर्मेस के बैलेंसियागा के डॉल्ची एंड गबाना के हम अंदर जाते हैं हल्का सा स्टोर दिखाते हैं आपको और बाकी ये है कि यहाँ पे बहुत अच्छी सिलेक्शन है स्पेशली क्लोन्स की मैंने जब भी लेना हो अगर कोई तो मेरी कोशिश होती है यहाँ मैं आऊँ यहाँ टेस्ट करूँ और फिर बाय करूँ यहाँ पे अच्छा एक और मज़े की आपको बात करूँ अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसा क्लोन लें जो कोई और नहीं है मैंने कहा मैं नहीं चाहता आप फिर भी बताया जा रहा मैं फिर भी बताऊंगा मैं बैठा बनाऊंगा आप ऐसा क्लोन चाहते हैं जो और कोई ना ले सके चाहते हुए भी अच्छा सिर्फ आप ही के पास हाँ एक्सक्लूसिव आपको तो आपने सैक्स फिफ्थ एवेन्यू आना है और हर जगह पे जाके जहाँ भी उन्होंने बूथ बनाए हुए ना अपने काउंटर जो भी बनाए हुए हैं हर ब्रांड के क्लोन्स के आपने जाके कहना है हमें वो दिखाएं जो सैक्स एक्सक्लूसिव है आपका तो फॉर एग्जाम्पल एल वी का है आप एल वी के पास जाएंगे सैक्स एक्सक्लूसिव हमें दिखाएं तो एल वी अपना वो परफ्यूम दिखाएंगे जो सिर्फ सैक्स स्टोर से ही मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा अच्छा उनके लिए कुछ अलग वो उनके लिए ही बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ तो वो आपको कहीं से नहीं मिलेंगे दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं वो जैसे मैं एग्जाम्पल लेना जैसे वो कहना चाह रहे जग घूमे मिलिया ना कोई जग घूमे हाँ जैसे आप दुबई जाते हैं दुबई में कुछ चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ दुबई में ही मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी जैसे कौन सी चीज है दुबई में ही मिलेंगी बुर्ज खलीफा इसलिए आप चाहते हैं कुछ क्लोन्स आप लें जो कि आपके दोस्त यार और फैमिली मेंबर पूछे जी कितने लेते हैं ऐसी भी लाने में तो नहीं ले सकते उनको सिर्फ नाम बजाने चलो चलो अंदर ये गुची सैक्स फिफ्थ एवेन्यू के अंदर बना हुआ इसका अपना आउटलेट जो है वो कमिंग सून पे है उधर एलवी भी है तो ये अब हम सैक्स के अंदर जो है वो जा रहे हैं ये ब्यूटी सेक्शन है जितने भी कलोन्स हैं परफ्यूम्स हैं वो आपको ब्यूटी सेक्शन में ही मिलेंगे ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं मुख्तलिफ आउटलेट्स उनके छोटे छोटे अपने अंदर ही बने हुए हैं शूज़ का सेक्शन भी है यहाँ पे कलोन्स का सेक्शन है मुख्तलिफ आजकल बड़ा वो चल रहा है वायरल हो रहा है कि शाहरुख खान जो है वो कौन सा परफ्यूम लगा रहा है डिप्टीक वो हाँ डिप्टीक डिप्टी कहते हैं उसको डिप्टी क्यों आता है इनमें कोई इंडियन ब्रांड है आई डोंट नो ये पीछे पड़ा चेक कराते हैं आपको देखिए जी ये है ब्रांड का नाम और ये है परफ्यूम तो नहीं है किस तरह से यूज कर रहा ये मुझे नहीं पता भाईजान इजी हम कोई चीज लेती हूं तो ये वाला जी वो कहते हैं जी शाहरुख खान जो है वो इस परफ्यूम को और डन हिल को मिक्स करके लगाता है यहाँ पे असल में सैक्स पे बहुत वैरायटी है बहुत चीज़ें हैं एक एक चीज़ तो नहीं दिखाई जा सकती वो तो दो घंटे की वीडियो बन जाएगी तो मैंने कुछ जो है वो शॉर्ट्स लिए शॉर्ट्स के लिए तो आप वो यूट्यूब शॉर्ट्स जो है वो ज़रूर जो है वो ट्राई करना
तो हम आपको बाकी जो है स्टोर दिखाते हैं। हम ये सैक्स से बाहर आ गए, सैक्स पे अर्मस का है, ये सेकंड लेवल पे अब हम आ गए। हाँ, ये ऊपर वाले लेवल का है, ये देखिए अर्मस का ये ऊपर वाला लेवल है। यहाँ पे वो सेंट लॉरेंट का है, YSL का, वैलेंसियागा का नीचे फ्लोर पे था, अभी ऊपर वाला फ्लोर है उसपे भी है। जो है ये किसका, रोलेक्स का भी है, रोलेक्स भी दिखा दे। हाँ, जी रोलेक्स भी है यहाँ पे और कार्टिये भी है, ये चेक करेंगे। रोलेक्स लिमिटेड लोग अंदर जा रहे हैं, रोलेक्स के बाहर जो है वो लोग खड़े हैं अभी वेट कर रहे हैं अपनी बारी का, इसलिए हमने इस लालच से गुजरना ही उठा के नहीं जा सकते, चले गए। नहीं नहीं, इस लालच से हमने गुजरना ही नहीं है इसलिए हमने रोलेक्स नहीं लेनी, बिल्कुल नहीं लेनी। दो बात ये चेक करें जी, कार्टिये भी है यहाँ पे, सिर्फ चेक ही करें और कुछ ना करें। हाँ, चेक ही करें ये चेक करें, बहुत खूबसूरत इन्होंने यहाँ पे सेटिंग की हुई है इस एरिया में। जैसे मैंने पहले कहा, ये आपको बता दूं जो लोग पंजाबी म्यूजिक के फैन है, बैलेंसियागा जो है दिल जी, साढ़े दिल जी वड्डी फेवरेट ब्रांड है। हाँ, तो बड़ी जबरदस्त सेटिंग इन्होंने की हुई है लग्जरी सेक्शन में, जहाँ पे सारी लग्जरी ब्रांड्स है। कनेडा गूस भी है यहाँ पे, भी वो भी दिखा दो, कनेडा गूस गूस है, गूस। टिफनी एंड को भी चेक करें, डायमंड्स का बहुत बड़ा नाम है टिफनी एंड को। और ये शैंडलियर चेक करें जी, क्या इन्होंने शैंडलियर लगाया है, पूरे एक फ्लोर जितना है शैंडलियर है, निचले फ्लोर तक जा रहा है। लो जी, ऑल यू एप्पल फैंस आउट देयर, ये चेक करो जी, एप्पल लव स्टोरी चेक कर, मुंडे दी रेंज चेक कर, एप्पल स्टोर चेक कर। लो जी, एक स्टोर हम दिखाते हैं आपको, आप सब लोगों ने नाम बताना है स्टोर का, ये भी बताएंगे। टू मी क्या नाम है, कुछ भी बोल सकते हैं, टॉमी भी बोल सकते हैं। नहीं, तुम ही हो, तुम ही हो, अब बस तुम ही हो यही बोल सकते हैं। लेजी, हमारे मिस्टर जे का प्रेशर हो गया है ज़्यादा, तो वो चला गया बाथरूम। और मैं आपको बड़ी मज़ेदार एक और चीज़ दिखाता हूँ, जो ये चेक करो भाई साहब, अगलों ने इंडोर जो है वो स्कीइंग रिजॉर्ट, एक्चुअली रिजॉर्ट तो नहीं इसको कहेंगे, स्कीइंग एरिया कह लें, उन्होंने देखे क्या निज़ाम रखा हुआ। इधर से जो है वो चेयर लिफ्ट ऐसे ऊपर जाएगी, ये चेक करें, यहाँ से चेयर लिफ्ट जो है वो आपको लेके ऊपर तक जाएगी, वो आप फिर वहाँ से आप स्कीइंग करते हुए जो है वो नीचे आएंगे, जैसे आप देख रहे हैं बाकी। और मज़े की बात ये है, ये भी जो है वो ऑल सीजन्स एक्टिविटी है, चाहे आप गर्मियों में आएँ सर्दियों में आएँ, ये चलता रहेगा, क्योंकि इंडोर इन्होंने स्कीइंग पार्क बनाया हुआ। यहाँ जी सारा ग्लास विंडो एक बहुत बड़ी लगी हुई है, तो यहाँ से आप स्कीइंग करते हुए लोगों को देखें, या अपने बच्चों को स्कीइंग करते हुए देखें लोगों को, और साथ ही बड़ा कोजी सा सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है, तो यहाँ आराम से बैठें, यहाँ कैफेज़ वगैरह से आप कॉफ़ी लें, स्नैक्स लें, फूड कोर्ट भी है साथ ही, और साथ साथ जो है वो ये व्यू एंजॉय करें आप स्कीइंग का, तो बहुत ही बेहतरीन माहौल है यहाँ पे। ये चेक करें जी, हम देसियों को लगता है केड़े होमलेस आ गए ने कमी कमार, मगर ये इन्होंने पूरा माहौल बनाया हुआ, नीचे बीन बैग्स रखे हुए हैं, बीन मैट्रेसेस रखे हुए हैं, जहाँ लोग आराम से लेटे हुए हैं, मज़े से गप्पे मार रहे हैं, कॉफ़ियाँ पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। ये फूड कोर्ट है सारा, मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे, आपने आइसक्रीम खानी है, रेस्टोरेंट्स हैं, कुकीज़ हैं, डोनट्स वगैरह हैं, और ये ऊपर आप लेवल 3 देख रहे हैं, उधर भी जो है रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो है वो खाने पीने की चीज़ें हो गई। और मुझे पता नहीं अभी आवाज़ कैसी आ रही है, क्योंकि बहुत लाउड है यहाँ पे, कोशिश कर रहा हूँ मैं माइक को ज़्यादा से ज़्यादा करीब रख के
जो है वो बात करूं ताकि आपको आवाज़ ठीक से आए मेरी बात। अच्छा जी, अब हम अपने जो है इस ट्रिप के जो एंड पे आ गए, तो हमने अब यहाँ पे जो है पार्किंग टिकट को पे करना है या कैसे की जाती है तो हम आपको दिखा देते हैं। पहले ये उसे बार कोड है वो स्कैन किया, स्कैन नहीं हुआ दोबारा स्कैन किया, स्कैन अब हो गया तो अब जो है इसको हम किसी भी तरह के पेमेंट मेथड से, आपका कार्ड हो या इवन कैश, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे चलेगा, शायद कार्ड से ही पे करना। तो आपके पास अगर कैश है तो काम नहीं चलेगा, आपको कार्ड से ही पे करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि $5 है जो कि काफ़ी अच्छा है। हम यहाँ पे एटलीस्ट 2 या 3 घंटे रहे। ये देखें फिर कोई मसला आ गया है, बंदे ने फिर टिकट निकाली है। हम लोग ये कह रहा है कि यूज योर फोन टू स्कैन QR कोड ऑन टिकट बिफोर एग्जिटिंग। यही हो गया इसमें मैम। तो अब उसने किया ना, क्या उसको टैप कर देना वो इजी है। टैप वाला दूसरा कार्ड है लेकिन मैं उससे पिक करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें टैप का ऑप्शन नहीं, दूसरा वाला कार्ड है ना, वैसे तो दूसरा आया मेरे पास। वैसे तो हर कार्ड में आने लग गया टैप वाले। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे टैप किया, पहले इंसर्ट कर रहे थे तो हो सकता है मशीन खराब हो, उसको ट्राई कर लो। अच्छा जॉब हो रही है, ये देखें अप्रूव्ड हो गई है। बड़ी कोशिशों जद्दोजहद के बाद जो है हमारी जो है मनोकामना पूरी हो गई है, रिसीट मिल गई है और अब हमारी गाड़ी टो नहीं होगी। तो अब हम निकल लिए हैं, ये देखिए जी अब हम जा रहे हैं, एग्जिट हो रहे हैं।